हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईवीएस की एक वर्कशीट देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है एमसीक्यू टाइप, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको उन्हें टिक लगाना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? विच वन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। कौन सा है जो फ्लाइटलेस है? फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकता है। पैरट, ऑस्ट्रिच और स्पैरो। तो हमें पता है पैरट एंड स्पैरो कैन फ्लाई, बट ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो ऑस्ट्रिच। विच फीदर्स कीप द बॉडी ऑफ अ बर्ड वार्म। तो हमें पता है इसमें आएगा फ्लाइट फीदर्स, डाउन फीदर्स, बोथ ए एंड बी। नो, डाउन फीदर्स। ओके। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मॉस्किटो। तो मॉस्किटो की बाइट से डेंगू होता है, मलेरिया होता है, या फिर दोनों होते हैं? दोनों ही होते हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस हैव डैश लेग्स 4, 6 एंड 8। तो इसका आंसर है 8। बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हमें पता है 6 लेग्स होते हैं, बट स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियोज की जो फैमिलीज होती हैं उनमें 8 होते हैं। विच वन इज ए हार्बीवोर। हार्बीवोर कौन से हैं? हमें पता है वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक काउ, लाइन एंड टाइगर। तो इसमें से राइट ऑप्शन है काउ। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फिलिंग इन द ब्लैंक्स। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? इट इज क्लोरोफिल, CHLORO PHYLL। इट मीन्स कि आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। कीवी हैज केम फ्रॉम। तो कीवी जो है हमारी वो कहां से आई है? कीवी has arrived from New Zealand. Okay, तो New Zealand आपको यहाँ पे लिख देना है। Next, an insect's body is divided into 3 parts: head, thorax, and abdomen. Next, vulture has a dash beak. तो vulture की beak कैसी होती है? Vulture की जो beak होती है, चोंच होती है, वो hooked होती है। ओके। सम बर्ड्स फ्लाई बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर। दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज माइग्रेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहां पे ड्रॉइंग्स हैं, आपको इन वेसल्स के नेम लिखने हैं। एज यू सी, दिस इज प्रेशर कुकर, दिस इज वॉक, दिस इज ग्रिडल एंड दिस इज पैन। ओके, तो आपको यहाँ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नाम लिख देना है। नेक्स्ट है लेबल द पार्ट्स ऑफ ए बर्ड। यहाँ पे बर्ड की पिक्चर है, आपको जो पार्ट्स हैं बर्ड के वो लेबल कर देने हैं। जैसे वी नो दिस इज कॉल्ड बीक, तो आपको यहाँ पे बीक लिखना है। दिस इज थ्रॉट। ओके, दिस इज टॉ, ये टॉ है। ओके, और ये जो आगे जो आपको दिख रहे हैं कर्व्ड शेप में, दीज आर क्लॉज, पंजे। दिस इज विंग्स, ये हमारी विंग्स है। एंड दीज आर टेल फेदर्स। ओके, तो इस टाइप से ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको आपको लेबल कर देना है। इसके साथ ये जो आईज हैं ये भी पूछी जा सकती है, एंड देन फोरहेड भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप साथ में लर्न कीजिए। बट ये जो है ये मेन पार्ट्स हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। मैचिंग का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे मैचेस, मैंने 3 सेट्स दिए हुए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। जैसे बेकिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग, ये हमारे मेथड ऑफ कुकिंग है। अब कौन सा किस में यूज होता है? बेकिंग पकौड़ा, केक, एग्स और इडली। वी नो बेकिंग इज फॉर केक, फ्राइंग इज फॉर पकौड़ा, स्टीमिंग इज फॉर इडली एंड बॉइलिंग इज फॉर एग्स। इस टाइप से सिमिलरली अगेन यहाँ पे मैथड ऑफ कुकिंग है, और वो किसके साथ होते हैं? इन वाटर, इन हॉट ऑयल, विद स्टीम, इन एन ओवन और डायरेक्ट हीट। मतलब वो कौन सा मीडियम यूज करते हैं? लाइक बेकिंग वी नो इन द ओवन, स्टीमिंग वी नो विद द हेल्प ऑफ स्टीम, भाप जो है, बॉइलिंग इन वाटर, रोस्टिंग इन द डायरेक्ट हीट, फ्राइंग
इन हॉट ऑयल। तो कोई सा भी मैच आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हनी बी एंड स्पर्क्स, टर्माइट एंड स्पाइडर। अब ये करते क्या है, इनके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है, उसके साथ मैच करना है। हनी बीज मेक हनी, एंट्स शेयर देयर विंग्स एज दे ग्रो। नेक्स्ट वी हैव बग्स, बग्स कॉज इचिंग एंड रेडनेस। टर्माइट डैमेज फर्नीचर। स्पाइडर एट लेग्स। इस टाइप से आपको इनको मैच कर देना है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने कुछ इसमें डाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 3 मार्क्स में आता है। इससे पहले जस्ट मैंने वाटर साइकिल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें हमें एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जो है उनके प्रोसेस को डेफिनेटली इंक्लूड करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई सम बर्ड्स माइग्रेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइग्रेशन कुछ बर्ड्स करते हैं वो किस मौसम में करते हैं और एक्चुअली उनके पीछे बेसिक रीजंस क्या हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज चूइंग ऑफ कर्ड मीन। चूइंग ऑफ कर्ड आप देख जानते हैं कि गाय हैं, जैसे भैंसे होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो हार्बीवोर होते हैं, आपके कैटल्स जो होती हैं, कि खाना एक बार खाने के बाद भी कंटिन्यूअसली वो अपने मुंह को चलाती रहती हैं, उसको च्यूइंग ऑफ कर्ड कहते हैं। तो उसी को डिटेल्ड आपको लिखना है। मैं यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखाए होंगे या आपकी बुक में होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद द ड्रॉइंग। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिन जिन पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है प्रोसेस का, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, वाटर साइकिल हो गई। राइट सम यूजेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स तो हमें पता है बहुत सारे यूजेस होते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव तो मेडिसिनल यूज में भी आती है, कुछ को हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे जैसे नीम के पत्तों को हम एज ए पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं। तो वो सारे आपको यूजेस इसमें लिख देने हैं। राइट सम मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो हमने जैसे कि इस मैचिंग में डिस्कस किया, रोस्टिंग है, बेकिंग है, स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, फ्राइंग है, ये सारे मेथड्स लिखने हैं विद एग्जांपल्स एंड कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं, एक्चुअली ये प्रोसेस है क्या। जैसे बेकिंग है तो उसके लिए हमें ओवन चाहिए, फिर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करते हैं और फिर उसमें जो हमने फूड आइटम रखा होता है वो बेक होता है। ऐसे ही बॉइलिंग के लिए सारों के एक एक दो दो लाइन लिख के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई आर हनी बीज एंड एंट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। इनको हम सोशल इंसेक्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में रहते हैं, हमारे इंसानों की तरह इनकी भी कॉलोनीज होती हैं, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि ये भी एक झुंड बनाकर रहते हैं। और इसमें एक आपने जैसे अपने चैप्टर्स में रीड किया होगा कि हनी बीज में एक जो होती है वो क्वीन होती है, ठीक है, बाकी ड्रोन्स के बारे में, और ये सारी चीजें आपको इंक्लूड कर देनी है। तो ये था हमारा आज का ईवीएस का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।